So hey guys, my name is Ritika Samutar and you are watching amazing food series called as Indoor Food Series Season 1. निशान नाकरा है। अच्छा, सो ये आप मुझे ये वेंचर के बारे में बता सकते हो कितने ईयर ओल्ड है, टाइमिंग क्या है और क्या स्टोरी रही है ये इसे ओपन करने की, क्या स्ट्रगल रहे? बेसिकली एमबी पिज़्ज़ा को 4 साल हो चुके हैं। ओके, इसी स्ट्रीट पे। ओके, हमारे अभी 3 ब्रांचें हैं। 3 ब्रांचें, आप बता सकते हो मुझे कहाँ कहाँ पर? फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था मेघदूत पे, मेघदूत पे सराफा में एक साथ। ये मेघदूत पे ही, ये मेघदूत है, ये मेन ब्रांच है, ये मेन ब्रांच है। दूसरी सराफा है, दूसरी सराफा है, और जो थर्ड है वो वर्ल्ड कप है। कहाँ पे? स्कीम नंबर 158 वर्ल्ड कप स्क्वायर। अच्छा, वर्ल्ड कप स्क्वायर, अग्रवाल स्कूल के पहले चौपाटी लगती है वहाँ पे। अच्छा, जेएमबी के सामने। ओके, तीनों का आउटलेट का टाइमिंग? यहाँ का तो दोपहर 2 से रात के 11 है। अच्छा, और वहाँ का 10 हो गया क्योंकि आज की वजह से आपको पता होगा। हाँ हाँ हाँ। और वहाँ का भी सेम टाइमिंग है जो यहाँ का है, वहाँ का है 2 से 10, और सराफा का है रात को 9 से रात के 2। टेस्ट पता करना है तो आपको उसका बेसिक टेस्ट करना जरूरी है। सिग्नेचर जो किसी की भी पहचान होती है, जो कुछ ऑथेंटिसिटी होती है, वो इनका एमबीए पिज्जा में मिला जाएगा। और अगर आपको ज्यादा चीज में खाना तो आप एमबीए मार्गरेटा लो। एमबीए मार्गरेटा जी। ओके, उसमें आपको बहुत सारी वैरायटीज मिलेंगी, फ्लेवर्स मिल जाते, देसी इटालियन है, मैक्सिकन है। अच्छा, और आप स्पेनिश फ्लेवर में भी जा सकते हो, मिक्स फ्लेवर भी आता है, इटालियन देसी का मिक्सचर भी आता है, मैक्सिकन देसी का मिक्सचर भी। ये सारा आपने वहाँ से सीखकर अपना जो कुछ फ्यूजन आप डाल सकते हो उसमें आपने डाला है। लेकिन जो ड्रेसिंग्स है मेरी, हाँ, जैसे आप मेरी हर ड्रेसिंग्स का नाम अलग है। हाँ, जैसे आपको बताऊंगा, मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है, बायो भी है। मैंने सुना है वो वो इम्पोर्टेंट है रेसिपी को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए। मतलब मार्केटेड, आई कैन कनेक्ट विथ हिम एज आई एम अ इंजीनियर, ही इज हैविंग अ ड्रीम ऑफ एमबीए, माय फ्यूचर ड्रीम इज एमबीए, so I can connect with him. We also have an engineer pizza also, MBBS pizza also. Have a look of our menu also. Nice यार, nice. मतलब इसलिए मेरा दिन सफल हो गया इंदौर आने का। मैंने जैसे बोला था ना, आऊँगा तो यहाँ का वीडियो और यहाँ का टेस्ट तो खाएंगे। चलो सर, अभी हमें खिलाई है मस्त। प्योर वीट वाला बेस। अच्छा, लाइव डो बहुत लोग पूछते हैं मैं लाइव डो क्यों नहीं बनाता। रीज़न है क्योंकि ये ओपन एरिया है, आटा बहुत जल्दी गाला पड़ता है, उसको प्रॉपरली कवर पड़ता है। और यहाँ की हीटिंग इतनी ज्यादा होती है तंदूर की, जो अनकंट्रोलेबल होती है। बरोबर बरोबर। जैसे अभी मैं आपको तंदूर दिखाऊंगा तो बहुत ज्यादा हीटेड है। मैं नहीं समझ गया, मैं मैनेज करना बहुत टफ है। अगर अगर उसमें भी थोड़ा सा भी हवा लग जाए ना तो वो अच्छे से बनता नहीं है बेस, और पपड़ी बनने लग जाती है। हाँ, राइट राइट राइट। मैदे में आप ऑयल से नमी कर सकते हो, आटे में नहीं कर सकते। आप बताते जी, आपके जो भी ऑथेंटिक सॉसेजेस है, पहले तो मैं इस पर टॉपिंग करूंगा जो मैं अपनी। ओके, ये क्या पेरी पेरी डिप्स जैसा कुछ दिख रहा है मुझे? नहीं, ये टमाटो गार्लिक और की प्यूरी है,
ओके, इसको रखते हैं पहले बहुत अच्छे से। अच्छा ठीक है, और फिर इसको स्टोर करके रहते हैं, जब जब इसका तेल पूरा ऊपर आ जाता है ओके, तो उसका तेल को हम लेते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, अब नीचे रहेगी फिर इसको ठंडा करके फ्रीजर में रखते हैं। राइट, वो नॉर्मल ठंडा हो गया। हाँ ठीक है, फिर से उसको फ्राइड करते हैं। अच्छा, तो एकदम एक क्रीमी टेस्ट आ जाता है, क्रीमी बन जाते हैं। अच्छा, तो उस हिसाब से ये चलती है कम से कम एक हफ्ता। एक हफ्ता, एक सही है, सही है। ये रेयर, मैंने आपने पहली बार ऐसा चीज मेरे को बताया, आप फर्मेंटेट वगैरह सब चीजें लेयर ऑयल का निकाल रहे हो, कर रहे हो, चीज डिफरेंट है। हाँ, तो लोगों को टेस्ट पसंद आएगा, अगर वही चल रहा है तो राइट राइट, आपकी बात डिफरेंट होना चाहिए। चीज भी हम अपना खुद का है, मोज़रेला नहीं है? नहीं मोज़रेला नहीं, ये पिज़्ज़ा चीज़ है। हाँ, ये मेरे फ्रेंड की है, मैं उससे बनवाता हूँ। अच्छा, तो ऐसा पहले मैं अमूल यूज़ कर चुका हूँ। अच्छा, यूज़ कर चुका हूँ। अच्छा, लेकिन कहते ना किसी भी अच्छी चीज़ को बनाने, तो वो जो आपके फ्रेंड है तो फ्रेंड लोकल मतलब प्रॉपर जी लोकल है, और ये अपने हिसाब से बनवाता हूँ। मतलब अच्छा, मतलब आपको जैसा चाहिए वैसा, दूर मेरे हिसाब से प्रॉपर तरीके से नहीं, मतलब में नहीं बन सकता। हाँ हाँ, मतलब कि आपने जो ओवर शेप वाला देखा होगा, जो टनल टाइप बना रहता है दीवारों में जो गर्म होता है। हाँ, आई नो, आई नो, सही सिकता है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि इसमें इतनी हीट नहीं आती है, लेकिन इसमें बहुत हीट होती है। अच्छा, तो उसको हमको बनाने के लिए थोड़ा सा मोज़रेला यूज़ नहीं कर सकता, मोज़रेला बॉडी के लिए अच्छा भी नहीं होता है मेरे हिसाब से। हाँ हाँ हाँ, सबके व्यूज़ नहीं बोल रहा हूँ, राइट राइट, इतना देखते हैं। हाँ हाँ, मेरे हिसाब से कोई भी खाने का आप टेस्ट देखो, परफेक्ट व्यू मत देखो। बरोबर बरोबर, नहीं जितना होममेड रहेगा ना उतना ज़्यादा टेस्ट में फ्लेवर्स मिलेंगे। आप इंदौर, इंदौर फूडी प्लेस है, राइट ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में ना इंदौर में अलग के लोग रहते हैं, अलग अलग स्टेट्स के लोग आपको यहाँ मिल जाएंगे, राइट ठीक है। फिर ये यहाँ पे लोगों को बाहर आना तो शौक है ही, और उसी में अगर घर वाला फ्लेवर मिल जाए तो अलग ही मजे आ जाए, हेल्दी भी हो जाए और हर चीज़ मिल जाए उन्हें। बरोबर, जा रहे हैं अंदर तंदूर के अंदर। कितने देर के लिए रहेगा ये? ये 30 सेकंड पिज़्ज़ा बन जाएगा। 30 सेकंड में जी भाई, 30 सेकंड, वाह, वन ऑफ द फास्टेस्ट। हां, लेकिन तक तंदूर गर्म है। अच्छा, विद इन वन आवर, मतलब कि आफ्टर वन आवर। हां, ये इसको डेढ़ दो मिनट, जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा टाइमिंग बढ़ती जाएगी। ओके ओके, बनाने की। ओके, बट तो भी फास्टेस्ट है जब तंदूर गर्म है। बिल्कुल, बाकी इधर तो ओवन या जो भी अपन यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी ये इक्विपमेंट्स है, हाँ तो उसमें इतने जल्दी तो बन ही नहीं पाता है। हाँ, क्योंकि क्या रहता है ना, देखिए तंदूर की जो हीट रहती है वो अनलिमिटेड होती है, राइट, और फ्लेवरफुल भी है। हाँ, और अप्रॉक्स 90 डिग्री सेल्सियस के हाई होती है उसकी। हाँ, ज़्यादा ही होती है, 120 के रहती होती है। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन ओवन में सेट करने का सिस्टम, राइट, आप रख के भूल जाओ, लेकिन आप इसको रख के नहीं भूल सकते इसमें, राइट, आपको बार बार चेक करना है इसको, राइट। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी मेल्ट हो रही है। देखिए गाइस क्या टेम्पटिंग दिख रहा है, और पूरा चीज ऐसा लथपथ हो रहा है यार, एक पर यार। बट तंदूर जैसे भैया ने बोला बहुत ज्यादा हीट है, देखो मेरे हाथ में भी अभी हीट फील हो रही है। ऑलमोस्ट एक मिनट के अंदर या डेढ़ मिनट के अंदर ये पक्का रेडी हो जाएगा। अबे गाइस 16 सेकंड्स हो गए। हाँ, 16 भैया गिनते भी है सेकंड्स कितने हो गए। पकड़ ले, वो चालू ही है, जब तक बन नहीं करेगा वो बन नहीं होगा। देखो गाइस क्या यार, देसी पिज्जा यार, खाना चाहिए यार हर बार का। क्या मोज़रेला मैदा वाला बेस अभी रेडी हो गया, मैं इसको कटता हूं। लोग बोलते हैं कट क्यों करता हूं, क्योंकि आटे का है, राइट, और जब ये कड़क हो जाए तो उसको काटने में ऐसी पड़ता है। ओके, नहीं तो वो जो बाकी ये मेरा स्टाइल भी काट, ये भी बोल सकता हूँ। बोलते हैं कि काट रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, लेकिन क्वालिटी में आटे का रहता है, क्रिस्पीनेस आ जाती है उसमें। बरोबर, उसको तो काटना पड़ता है। नाइस, ये आपका एमबीए पिज्जा रेडी। सब तो भैया 90 रुपीज मेरे स्टार्टिंग रेंज ही एमबीए पिज्जा से है। ओके, 92 500। वो उसका कितना बेस का साइज बड़ा है? अच्छा, मीडियम होगा। मीडियम होगा। ओके, 8 inches। 8 inch।
सो गाइज हमारा MBA पिज्ज़ा रेडी हो चुका है, मात्र 90 रुपये का है और फुल्ली होममेड है। बेस भी होममेड है, चीज़ भी होममेड है, वेजिस तो होममेड बोल नहीं सकते, बट ऑलमोस्ट जो चीज़ें अपने बॉडी के लिए होममेड रिक्वायर्ड है सारे है। लेते हैं फर्स्ट बाइट। है भाई जोरदार है, ये शूट के कारण कभी कभी ठंडा हो जाता। दस में से दस वाला है। अभी पाव भाजी भी लगवाते अपने लिए, ये तो 10/10 वाला है। कब चालू हुआ? ये चालू हुआ लास्ट, जैसे जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा था, मींस 2020 मार्च, उसके बाद जब ओपन हुआ था अगस्त में, अगस्त 2020, हाँ 10 अगस्त 2020, उसके बाद हम लोगों ने अमृतसरी पाव भाजी चालू कर दी थी। तो अमृतसरी पाव भाजी में मतलब आप बता सकते हो आप कुछ क्या उसमें खड़े मसाले सबसे ज्यादा? सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसको पहले खड़े मसालों में बनाते हैं, राइट। दूसरी चीज, अपन प्योर व्हाइट मक्खन और येलो मक्खन दोनों डालते हैं। ये देसी वाला बोल रहे हैं? नो ब्रांड वगैरह? नहीं, कोई ब्रांड नहीं। ओहो, ये तो फिर थोड़ा वाली चीज है। मींस अमृतसरी जैसा स्वाद होता है वैसा मिल जाएगा, पर देसी देसी अमृतसरी स्वाद एट इंदौर, बिल्कुल जरूर। और पाव भाजी को वैसे मुंबई ने ही मेरे हिसाब से लॉन्च किया है, राइट, है ना? वहाँ पे मेरी तो मुंबई की सबसे ज्यादा फेवरेट है, मैं जाते जाते रहता हूँ पाव भाजी। और ये है कि उसमें मेन जो खड़े मसाले की फ्रेग्रेंस होती है, क्योंकि अपन लोग जो इंडियंस हैं, जो अपने मसाले हैं बराबर, वही सबसे ज्यादा मेन। सर शुरू से सबका एक मतलब कि ड्रीम होता है कि किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। मेरे को शुरू से ही एंटरप्रेन्योर बनना था, तो शुरू से मैं सोचता था एक टाई हो, एक बैग हो, ऑफिस जाऊं, फैमिली के डिज़ायर्स से, तो वही डिज़ायर्स को पूरा कर रहा हूं, इसमें कंफर्टेबल हूं, इसलिए ये चीज़ पहनता हूं। मेरा टाइमिंग शिफ्ट है, घर जा आफ्टर ऑलमोस्ट 45 मिनट्स आर पाव भाजी इज रेडी। और ऑलमोस्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंदौर में कहीं मेरे हिसाब से तो भी अभी तक अमृतसरी पाव भाजी चालू नहीं हुई है, वो भी कढ़ाई वाली बोलना चाहता हूँ। और जो सर के कढ़ाई के मसाले हैं ना यार, एक नंबर है। मतलब जो सर मसाले डाल के देने के प्रिपरेशन में उसमें दिल डालते, जान डालते ना, वो एक नंबर है। और इनका ना वाइट मक्खन है यार, और देखो यार मक्खन, देखो इतना ज़्यादा मक्खन डाला है यार। और पत्ता भी, ये देखो ये मसाले वाला पत्ता ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्ट को ना जान दे देता। और ये लच्छे ऑनियन के, ये मात्र 80 रुपये वाली प्लेट है यार भैया। एक प्लेट देखो यार कैसा है, मैं कट्टर महाराष्ट्रियन और उसके बाद पुणे का रहने वाला बीट तो नहीं कर पाएंगे अपनी मुंबई वाली मैगी, मतलब ये बोलता पाव भाजी, बट ये यूनिक है क्योंकि ये अमृतसरी टेस्ट वाला चीज़ है सर। क्योंकि मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी ना इतना ज़्यादा मुंबई मुंबई वाला पाव भाजी पसंद आ गया है ना, हाँ, बट हाँ डिफरेंट है, डिफरेंट है। खड़े मसाले पूरे उसमें लग रहे हैं कि नहीं, ऐसे मैंने आपको बोला था बीट करने का, मैं नहीं बोलता, हाँ, क्योंकि बीट करना अलग चीज होती है। और पाव भाजी इज नाइस, पाव भाजी इज रियली वेरी नाइस, मैं वो बोलना नहीं चाहता, बट मेरा कैसा टेस्ट हो गया, टेस्ट बड अभी मेरा कैसा मुंबई मुंबई पुणे पुणे कोल्हापुर साइड वाली पाव भाजी मेरे माउथ में बैठ गए, स्पाइसेस होते हैं वो, राइट, और बटरी जैसा पूरा, जहाँ पे भी अमृतसर में जाते जितना ज्यादा बटर, कुलचे में भी इतना बटर, सभी इधर बटर ही चलता है, तो इसमें बटर है।
आपने एक तो प्रॉपर घर का बटर डाला है, मस्त मजा आया। थैंक यू सर, 10/10। गाइज आइए सर के पास, एक से एक आपको यहाँ पे आपको पिज्जा बर्गर सर मस्त मस्त गर्मा गर्म खिलाएंगे एट द MBA पिज्जा वाला आउटलेट वेंटर नियर। एक बार फिर से लोकेशन बता दीजिए। ये भाई दूध चौपाटी नियर सायाजी रोड इन फ्रंट ऑफ मेरी। थैंक यू।